हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ न्यू सब्जेक्ट सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस। सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस आपके बीकॉम के सिलेबस में डिस्कस किया है। इस सब्जेक्ट के अंदर हम क्या डिस्कस करेंगे कि कंपनी के अंदर जो सेक्रेटरी है उसका क्या काम है, उसकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या पावर्स हैं उसकी, उसको क्या क्या काम करने होते हैं कंपनी के लिए, ये सभी हम किसके अंदर डिस्कस करेंगे, सेक्रेटरियल प्रैक्टिसेस के अंदर। सो टुडे वीडियोस टॉपिक इज मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, क्लासिफिकेशन और टाइप्स ऑफ सेक्रेटरी, कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है एंड क्लासिफिकेशन और टाइप क्या क्या हैं सेक्रेटरीज के। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी, सेक्रेटरी डिराइव्ड फ्रॉम लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस, कि सेक्रेटरी आपका लैटिन वर्ड सेक्रेटरियस से डिराइव हुआ है, विच मीन्स द पर्सन एम्प्लॉय टू डील विद कॉरस्पोंडेंस, कीप रिकॉर्ड्स एंड मेक अपॉइंटमेंट्स, कि सेक्रेटरी वो पर्सन है जो आपके लिए कॉरस्पोंडेंस वर्क, यानी कि आपके ऑर्गेनाइजेशन या फिर जिस पर्सन के अंडर वो काम कर रहा है उसके लेटर्स का सभी काम, यानी कि लेटर इनवर्ड या आउटवर्ड उस एम्प्लॉय को किसी को लेटर भेजना है या किसी का लेटर उसको मिल रहा है उसका सभी काम, कीप रिकॉर्ड रखने का काम जिस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर वो कर रहा है काम, एंड मेक अपॉइंटमेंट्स कि अपॉइंटमेंट्स कराने का सभी काम, कंपनी के डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट्स हो या शेयर होल्डर की हो या फिर एम्प्लॉयज़ की हो, किन्हीं की भी अपॉइंटमेंट हो, सभी का काम किसके अंडर आता है, सेक्रेटरी के वर्क के अंदर आता है। सो सेक्रेटरी वो पर्सन है जो आपके लिए डेली रूटीन का काम करने के लिए आपको क्या करता है, बताता है कि एक स्पेसिफाई कंपनी को या फिर किसी पर्सन को डेली क्या काम करना है उनको बताने का काम करता है। सो एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं कि सेक्रेटरी का मीनिंग क्या है। ये है मिस्टर एक्स, जो क्या है, एक बिजनेसमैन है। अब इनका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, तो इनको अपने बिजनेस को रन करने के लिए पहले से ही इनका शेड्यूल होना चाहिए, उनके इसके पास इतना टाइम नहीं है कि वो क्या कर सके, अपना शेड्यूल बना सके, तो उसको अपना डे टू डे एक्टिविटी परफॉर्म करने में बहुत ही डिफ़िकल्टीज होती थी, कभी उसका कोई काम छूट जाता था, कभी कोई काम छूट जाता था। तो इसने क्या सोचा, मिस्टर एक्स ने, कि मैं क्या करूँ, एक पर्सन को अपॉइंट करूं जो मुझे क्या कर सके, बता सके कि मेरे को रोज़ डेली एक्टिविटीज़ में कहां कहां मीटिंग करनी है, क्या क्या मेरे को काम करना है, किस किस पार्टी से मुझे मिलना है, ये सभी काम क्या कर सके मेरे को मिस्टर वाई बता सके। तो मिस्टर एक्स ने क्या किया, मिस्टर वाई को अपॉइंट किया, कहा कि आप मुझे जितनी भी डेली की मेरी एक्टिविटीज़ हैं उनका शेड्यूल बनाकर दोगे। मिस्टर वाई ने कहा ओके इट इज़ फाइन, आई विल डू इट ऑल दिस वर्क फॉर यू। सो मिस्टर वाई क्या हैं, मिस्टर एक्स के सेक्रेटरी हैं, वो उनका सभी काम अरेंज करते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपको आज के दिन क्या काम करना है। सो ये क्या है, आपका मिस्टर वाई मिस्टर एक्स का सेक्रेटरी है। सो आई होप इस एग्जांपल से आपको और क्लियर हो गया द मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी। द नेक्स्ट इज क्लासिफिकेशन एंड टाइप ऑफ सेक्रेटरी। फर्स्ट इज प्राइवेट सेक्रेटरी। प्राइवेट सेक्रेटरी का मतलब कि वो पर्सन जो आपके किसी एक इंडिविजुअल के अंडर काम करता है, क्या करने के लिए, उसके जो डेली पर्सनल अफेयर हैं उनको अरेंज करने के लिए, वो क्या है, आपका एक प्राइवेट सेक्रेटरी कहलाता है। प्राइवेट सेक्रेटरी को हम पर्सनल असिस्टेंट या फिर कॉन्फिडेंशियल असिस्टेंट भी कह सकते हैं, क्योंकि सेक्रेटरी को आपके जो एम्प्लॉयर है उसकी सभी कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट्स तक जाने का क्या है, राइट है, उसको राइट है कि वो क्या कर सके, अपने एम्प्लॉयर से रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है, जो भी पेपर्स हैं, उन सभी को वो क्या कर सके, गेट कर सके, उनको रीड कर सके। तो वो क्या करता है, आपका
जो एम्प्लॉयर है उसके लिए सारा काम करता है, वो बताएगा कि आपको डे टू डे क्या काम करना है, आपको किन लोगों से मिलना है, आपकी मीटिंग क्या किन किन लोगों से होगी, आपकी डेली रूटीन को वो क्या करता है, बनाता है। तो प्राइवेट सेक्रेटरी आपका वो पर्सन है जो एक किसी इंडिविजुअल के लिए काम करता है। द नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ एन एम्बेसी। एम्बेसी मतलब कि आपकी फॉरेन कंट्री के अंदर एक हाई कमीशन या फिर डिप्लोमेटिक मिशन क्या किया जाता है, अरेंज किया जाता है। वो देखता है कि दूसरी कंट्री के अंदर हमारी कंट्री के जो पर्सन रह रहे हैं वो अच्छे से रह रहे हैं या नहीं। तो ये सब काम क्या करता है आपका, एक एम्बेसडर का होता है। लेकिन उसको अपना काम करने के लिए जो पर्सन अपॉइंट किया है कि आप अरेंज करोगे मेरी डे टू डे एक्टिविटी कि मुझे किस किस के साथ मिलना है, मेरी किस किस के साथ मीटिंग है, मेरे को क्या क्या काम आज के दिन करने हैं, डेली रूटीन मेरी क्या होगी, ये सब अपॉइंट किया जाता है एक एम्बेसडर के लिए। जब एक पर्सन करता है तो उसको कहेंगे सेक्रेटरी ऑफ एन एम्बेसडर। जब आपका सेक्रेटरी एम्बेसडर के लिए अच्छे से काम करता है तो आपका एम्बेसडर क्या करेगा, दो नेशन के बीच में अच्छे रिलेशनशिप को बिल्ड करने के लिए अपना काम अच्छे से कर सकेगा। द नेक्स्ट इज मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी का मतलब कि आपकी जो भी मिनिस्ट्रियल डिपार्टमेंट है उनके हेड के काम करने के लिए जो आपका पर्सन अपॉइंट किया जाता है उसको कहेंगे मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। कि आपके जो भी होम सेक्रेटरी डिपार्टमेंट या फिर फाइनेंस डिपार्टमेंट या आपका डिफेंस डिपार्टमेंट है उन सब का आपका कोई मिनिस्टर होगा, उस मिनिस्टर की डे टू डे एक्टिविटी को अरेंज करने वाला पर्सन आपका क्या कहलाएगा, मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी कहलाएगा। वो बताएगा कि आपको आज इन इन लोगों के साथ मीटिंग करनी है, ये जो भी पॉलिसी है या फिर जो डिसीज़न है ये सभी कौन आपका इम्प्लाई करता है, ये आपके सेक्रेटरी का काम होता है। सो ये है आपका मिनिस्ट्रियल सेक्रेटरी। द नेक्स्ट इज सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का सेक्रेटरी क्या करेगा आपका, जितनी भी उस सोसाइटी की मीटिंग्स हैं या फिर जितने भी उसके रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स जो उसको रजिस्ट्रार के पास पहुंचाने होते हैं या फिर उसका डेली रूटीन का जो भी काम है, इन सब काम को अरेंज करने वाला पर्सन आपका क्या कहलाएगा, सेक्रेटरी ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी। देन नेक्स्ट इज पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। कि आपकी जो पार्लियामेंट है लोकसभा और राज्यसभा उन दोनों का जो सेक्रेटरी है वो क्या कहलाएगा आपका, पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी। इस सेक्रेटरी के आपके क्या क्या काम होते हैं, मेंटेन करता है ये किसका रजिस्टर, जितने भी आपके मेंबर है पार्लियामेंट में उन सभी का रजिस्टर क्या करता है, मेंटेन करता है, उन सभी को नोटिस देता है जो भी आपकी मीटिंग अरेंज की जाती है, किस पर्टिकुलर डेट को आपकी मीटिंग है। देन उसके बाद वो क्या करता है, मीटिंग के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट नोट्स हैं टॉपिक्स हैं उनको क्या करता है, नोट्स करता है। आपके जो भी क्वेश्चंस है वो रिसीव करता है और उनके जो भी उनको प्रपोजल मिलते हैं लोकसभा और राज्यसभा में उन सभी को अपने पास गेट करने का उसका राइट है। उसको इलेक्शंस के टाइम यानी कि कोई भी डिसीजन अगर चल रहा है उस टाइम में पार्लियामेंट में क्या हो रही है, वोटिंग हो रही है, तो उस वोटिंग को काउंट करने का काम किसका है, आपके पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी का है। सो ये सभी काम क्या करता है आपका, एक पार्लियामेंट के अंदर सेक्रेटरी करता है। देन नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। कि आपकी जो जो ट्रेड यूनियन है उनके अंदर जो आपकी डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं या फिर मीटिंग अरेंज करने का काम है या फिर मेंबर्स से सब्सक्रिप्शन लेने का काम है या फिर उनको कोई भी कोर्ट केसेस उनके रिप्रेजेंट करने का काम है या फिर इलेक्शन अगर हो रहे हैं तो आपके इलेक्शन के काम को देखने का जितना भी जिम्मा है वो किसका होता है, आपके ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी का होता है। इंडिया के अंदर काफ़ी ट्रेड यूनियन आज के टाइम में काम कर रही हैं, जिनमें से आपका इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस, हिंद मजदूर संघ,
एक्सेट्रा बहुत सारे ट्रेड यूनियन है जिनके वर्किंग के लिए आपका जो पर्सन अपॉइंट किया जाएगा वो क्या कहलाएगा, आपका ट्रेड यूनियन सेक्रेटरी। द नेक्स्ट इज क्लब और एसोसिएशन सेक्रेटरी, कि आपके जो वेरियस क्लब हैं जैसे कि एसोसिएशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स, रोटरी क्लब्स, ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी या ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, ये सभी आपके जितने भी एसोसिएशन है, जितने भी क्लब हैं, उन सब की वर्किंग को क्या करने का काम किसका होता है, अरेंज करने का काम आपका क्लब और एसोसिएशन सेक्रेटरी का होता है। देन नेक्स्ट इज कंपनी सेक्रेटरी, एक कंपनी के काम को अरेंज करने का काम किसका होता है, आपका कंपनी के सेक्रेटरी का। कैसे कैसे वो कंपनी के काम अरेंज कर सकता है, वो कॉरेस्पोंडेंस करता है, वो ईच कीप रिकॉर्ड करता है, या फिर वो क्या करता है, मीटिंग अरेंज करता है आपकी डायरेक्टर या शेयर होल्डर की, वो आपके जो थर्ड पार्टी या फिर आउटसाइडर है उनके लिए कम्युनिकेटर का काम करता है, कि कंपनी और आउटसाइडर के बीच में जो कम्युनिकेटर का काम कौन करता है, आपका सेक्रेटरी करता है। तो जितने भी आपकी वर्किंग है वो सभी किसके अंडर की जाती है, सेक्रेटरी के अंदर की जाती है। अगर कोई भी एसोसिएशन, इंडिविजुअल या फिर कंपनी बिना सेक्रेटरी के काम करती है तो ऑब्वियसली वो अपना काम अच्छे से नहीं कर पाएगी, क्योंकि आपका सेक्रेटरी काम करने के जो आपकी प्लानिंग है उसको बनाता है और श्योर करता है कि आपका जो काम है वो बिना किसी रुकावट के, बिना किसी कंस्ट्रेंट के पूरा हो सके। तो ये था आपका मीनिंग ऑफ सेक्रेटरी एंड टाइप्स एंड क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्रेटरी। सो आई थिंक दिस इज टॉपिक इज क्लियर। So this is all about today's topic and hope this is clear, and if you have any query about this topic you can ask down below in the comment section, and don't forget to hit the bell icon so you have all the notification from Commerce Institute. Thank you for watching the video.